राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं शाम के 4 और आज रितिका के पापा घर पर थे तो मुझे छन्नी वगैरह डालनी नहीं थी, तो अभी नहा धोकर बस मैं लगूंगी मेरे काम पर। पहले ये थोड़े से कपड़े कल धोए थे ये तय बना कर रखूंगी। आज तो है बृहस्पतिवार और तारीख क्या तारीख रितिका जी बता दे भैया? 13 अप्रैल। वैसे मैं ज़्यादातर वीडियो में तारीख वगैरह बताती नहीं हूँ क्योंकि कभी तो अप्रैल की जगह मार्च हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जो वैसे बोल कर बनाती हूँ ना वीडियो तभी बोल देती हूँ। तो जी ये कपड़े कल धोए थे, बृहस्पतिवार को तो मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। वैसे ऐसा बोलते हैं कि धोने भी नहीं चाहिए, हमारा तो ये रहता ही है कि मंगलवार को, बुधवार को, शनिवार को हम बाल नहीं धोते हैं, बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोते हैं। जो ये छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान तो वैसे रखना ही चाहिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही हैं। बाकी बच्चों का और इनका तो आप सबको पता ही है कि इन्हें तो बस उसी दिन, जैसे कि नाखून नहीं काटते हैं, हम तो ज़्यादातर मंगलवार को और बृहस्पतिवार को नहीं काटते हैं, बृहस्पतिवार और शनिवार को नहीं काटते। हाँ, और उसी दिन ये नेल कटर लेकर बैठते हैं, हमेशा इनकी यही आदत है, जिस दिन नहीं काटने होते हैं ज़्यादातर बृहस्पतिवार को। है ठीक है, काम है। और हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं इन बातों का। तो जी चलिए, अभी ये थोड़े से कपड़े रखे हैं ये तय बना कर रख देते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने शाम के काम पर। कुछ नया तो है नहीं, वही अपनी डेली की रूटीन। और आज एक जोड़ी रितिका ने कपड़े मंगवाए थे ऑनलाइन, स्कर्ट और टॉप मंगवाया था पर इसे पसंद नहीं आया, अभी इसको रिटर्न कर देंगे। वैसे स्कर्ट तो काफ़ी अच्छी आई है, टॉप साइज में नहीं आया है तो इसीलिए रिटर्न करने पड़ेंगे। अभी देखते हैं और मंगवाएगी या क्या करेगी, क्योंकि रितिका स्कूल से आने के बाद बस पूरा दिन फोन में कपड़े ही देखने में लगी रहती। तो जी अभी हम बनाने वाले हैं सोयाबीन की सब्जी, यही घर पर थी तो मैंने सोचा चलो आज सोयाबीन ही बना लेते हैं। और उसके लिए मैंने पहले ये पानी उबाल लिया है, और अभी इसमें हम डाल देंगे ये सोयाबीन, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए उबाल लेंगे हम इनको, ज़्यादा नहीं, टाइम देखकर 3 मिनट के लिए उबाल सकते हैं। अभी 2-3 मिनट उबालने के बाद इनको हम निकाल लेते हैं, गैस को कर देते हैं बंद।
गोल गोल कोनी है ना। अब इनको हम कर लेते हैं ठंडा और तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। तो जी अभी मसाले तैयार कर लेते हैं। वैसे तो इस सब्जी में इतने ज़्यादा मसाले डालते नहीं हैं, बस दो तीन में प्याज कट करूँगी, वो भी लंबी लंबी, और थोड़ा सा लहसुन छील लेते हैं। खाने में तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पर इतने ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं डालते हैं, और गर्मियों में बनाने के लिए तो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि गर्मियों में सब्जी की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्या बनाएँ क्या बनाएँ। ये सारी सब्जियाँ वैसे गर्मियों में ही बनती है, सर्दियों में तो सब्जियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, सर्दियों में तो नहीं बनती हैं। जो ये सूखी सब्जियाँ होती हैं जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो लगभग गर्मियों में ही बनती हैं। तो जी मैंने पहले तो सोयाबीन की बड़ी धोई नहीं थी, तो अभी मैंने इनको दो तीन बार धो लिया है अच्छी तरह से, और अभी इनको हम निचोड़ लेंगे। वैसे आप चाहें तो पहले भी धोकर फिर पानी में उबाल सकते हैं, और इनको हम उबालते हैं, इनका साइज़ डबल हो जाता है, फूल जाती है ना ये पानी में डालते ही। और पहले से ध्यान हो कि आज सोयाबीन की बड़ी बनाने वाले हैं, तो आधा घंटा पहले भिगोकर रख दे। मैंने तो अभी सोचा था कि सोयाबीन की बड़ी बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पानी में उबाल ली, नहीं तो पहले भी भिगोकर रख देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे जो हम भिगोकर रखते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया और उसमें डाल दी हैं ये सोयाबीन की बड़ी। इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आधी कड़छी के आसपास तेल लिया है मैंने, और मैं सब्जी हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ रिफाइंड और ये सारे जो और तेल होते हैं ना ये इस्तेमाल नहीं किए जाते, हम घर पर सरसों का तेल निकलवाते हैं। और कोई भी सब्जी हो या तो सरसों के तेल में बनाते हैं, या फिर कभी कभी कोई स्पेशल सब्जी होती है तो घी में बना लेते हैं। वैसे तो जो हम घर पर सरसों का तेल निकलवाते हैं ना वो घी से भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी बड़ी मेरी फ्राई हो गई थी, इनको मैं निकाल देती हूँ, और अभी फिर से मैं कढ़ाई में डालूँगी आधी कड़छी तेल, और जो मैंने प्याज कट की थी, लंबी लंबी प्याज कट की थी मैंने, उनको और भून लेते हैं। तो जी अभी प्याज हमारी भून गई हैं, प्याज मैं निकाल लेती हूँ। तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, आप चाहें तो बिल्कुल एक चम्मच तेल डालकर प्याज भून सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। अभी जो ये तेल हमारा बच गया है इसी में हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो सोयाबीन की बड़ी मेरी हल्की सी ठंडी हो गई थी, अभी इनमें हम मसाले मिक्स कर देते हैं, और मैं वही मसाले डालूंगी जो हम हर रोज़ सब्जी में डालते हैं। एक चम्मच धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी और आधी चम्मच नमक, और मेरी जो मसालदानी की चम्मच है वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली चम्मच ली है। तो इस हिसाब से मैंने आधी आधी चम्मच सारे मसाले डाले हैं। अभी थोड़ी सी दही डालकर इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही में इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इस टाइम पर डालने से इस सब्ज़ी में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। और दही को मैंने हल्का सा फेंट लिया था, तो अभी सभी मसालों को दही के साथ सोयाबीन में अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। और तब तक मेरी प्याज भी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो जी अभी प्याज का भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये सारी तैयारी मेरी सब्जी की हो गई है, अभी मैं निपटाऊंगी मेरा एक दो काम जो बाकी रह गया है बाहर का। तो जी अभी बड़ी हमारी रखे हुए 15-20 मिनट हो गई हैं, और काम भी मेरा निपट गया था, तो अभी सब्जी छूक लेते हैं। और तेल मैंने वही लिया है, बस दो चम्मच तेल लिया है। तो सबसे पहले मैंने डाला एक तेज़पत्ता, उसके बाद एक बड़ी इलायची डाली है, दो लौंग और 4-5 काली मिर्च मैंने कूट ली थी तो वो डाल दी हैं। और अभी इसमें हम डाल देंगे ये दो तीन मैंने लाल मिर्च ऐसे टुकड़े कर लिए थे ये डाल दी, और साथ ही एक चम्मच जीरा डालेंगे, और दो तीन मैंने हरी मिर्च कट की थी ये डाल दी। तो ये हमारा हो गया है स्पेशल सा तड़का तैयार। अभी इनको दो तीन मिनट भूनने के बाद मैंने डाल दी है प्याज, और प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, प्याज को बस 4-5 मिनट पका लेंगे, क्योंकि प्याज हमने पहले ही भून ली थी। और प्याज मैंने पहले इसीलिए भूनी थी क्योंकि प्याज का हम पेस्ट डालते हैं तो उसको पकाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे पहले प्याज को भूनकर पेस्ट बना लेते हैं तो सब्ज़ी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। अभी दो तीन मिनट प्याज को भूनने के बाद उसके बाद फिर मैंने डाल दी है सोयाबीन की बड़ी, और बड़ी डालने के बाद लगातार चलाते रहें, क्योंकि बड़ी में हमने दही मिक्स की थी और दही को हम लगातार नहीं चलाएंगे तो दही हमारी फट जाएगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, और लगातार चलाते हुए इसको 7-8 मिनट पका लेंगे, और पानी थोड़ा सा कम लगे तो और डाल दें, मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने बाद में थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और साथ ही अभी इसी टाइम पर हम इसमें उबाल आ जाएगा तो डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला, ये दो मसाले और डालेंगे हम, और फिर ढककर इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे।
और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे हमारे यहाँ पर तो मैंने पहली बार बनाई है, बहुत कम बनती है। वैसे तो इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, तो खानी ज़रूर चाहिए। पर ऐसा बोल देते हैं ना कि ये सब्ज़ी नॉन वेज को टक्कर देने वाली सब्ज़ी होती है, इसीलिए बस ये सुनकर ही नहीं खाते हैं कभी भी, इसको देखकर ही। और हमारे घर में कभी बनी भी नहीं, आज मैंने पहली बार बनाई थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना किसी सब्ज़ी को खाए ही ऐसे जज कर लेते हैं कि नहीं खानी है। तो जी सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है, अभी इसको मैं इस कटोरे में डाल देती हूँ क्योंकि अभी मैं जाऊँगी बाहर। सब्ज़ी मैंने अंदर बनाई थी, बाहर हो गया था बिल्कुल अंधेरा, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी तो गैस पर ही बना लेते हैं, रोटियां बनाएंगे चूल्हे पर ही। और बच्चों को भी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। सच बताऊँ तो मैंने मोमोज की जो स्टफिंग बनाई थी उस दिन, मोमोज बनाए थे, तो वो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने आज सोयाबीन की सब्ज़ी भी बना ली। अभी शुरुआत हो गई है तो कभी कभी कोई सब्ज़ी नहीं होगी तो बना लेंगे। वैसे तो सोयाबीन की मंगोड़ी जैसे कि आलू सोयाबीन की और ज़्यादातर चावल में डालकर भी बनाई जाती है, और सोयाबीन की बड़ी डालकर हम जो चावल बनाते हैं नमकीन, वो भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी थाली तो मैंने लगाई नहीं क्योंकि बच्चों को लगाई थी भूख, तो ये बिना थाली लगाए ही खाने के लिए बैठ गए हैं। अभी खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक दो काम और बाकी है वो निपटा लेते हैं। वैसे गर्मियों में अभी इतना ज़्यादा काम नहीं है, बस घर घर का काम है, और शाम का काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है तो इस टाइम पर थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। जी अभी बज गए हैं 9:30 और काम मेरा निपट गया है, आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया है, बस अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। एक तो सामान उठा कर रख देती हूँ क्योंकि अभी हमारी रसोई हो गई है चूहे थोड़े से ज़्यादा, तो वैसे भी सारा सामान उठा कर रखना ही पड़ता है, ऐसे कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा खाना वाना नहीं हुआ है, आज ऐसी कल पापा नहीं आए हैं अभी तक, तो बस खाना खाएंगे थोड़ी सी देर में। और गर्मी आते ही भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती, बिल्कुल भी भूख नहीं है, खाना खाने का तो मन ही नहीं करता है। सर्दियों में अच्छा रहता है, सब्जियाँ भी काफ़ी रहती हैं और भूख भी अच्छी लगती है, गर्मी में तो भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। और आज फिर से हमारे यहाँ लाइट गुल हो गई है इस टाइम पर, पता नहीं क्या बात है, कुछ दिन से लाइट कैसी रूटीन चल रही है, इस टाइम पर आती नहीं है, नहीं जी यहाँ पर पूरी रात लाइट रहती है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर और फिर मिलते हैं व्लॉग के साथ, सॉरी आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ध्यान ही इधर उधर हो जाता है कभी कभी।